मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए. लॉट ऑफ फैंस लविंग यू. जब भी आप नए किरदार से जुड़ जाते हो तो हर किरदार को सराहा जाता है. क्या कहना चाहोगे इसको लेके? अच्छा लगता है ऑब्वियसली आपकी मेहनत जब रंग लाती है. एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 18-19 ईयर्स एंड आई थिंक माई जर्नी में सबसे ऊपर हार्ड वर्क को जगह दूंगी. लक ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आई थिंक माई कॉन्डक्ट, माई प्रोफेशनल कॉन्डक्ट एंड माई मेहनत हैज गॉट मी हियर. और इस टाइम बाद भी जब मैं कोई किरदार लेती हूँ और उस वो किरदार को ऑडियंस एक्सेप्ट करती है एंड या आई मीन आई थिंक आई हैव बीन वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करते हैं और दोनों में लोग पसंद करते हैं. सो आई थिंक और क्या चाहिए एक अभिनेता अभिनेत्री को? आप हर शो से जो भी शो से आप जुड़ती है वो शो को आप पूरी तरह से अपना लेती है. क्या कहना चाहोगे इसके लिए? मतलब हर कैरेक्टर हो. नहीं नहीं आई थिंक दैट्स अ गिवन. आई थिंक दैट्स व्हाट एन एक्टर इज एक्सपेक्टेड टू डू. मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए ये सिर्फ मेरा काम नहीं, ऑफकोर्स काम तो है ही, बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई जॉब. माई वर्क इज माई वर्कशिप. सो मैं पूरे दिल से, फॉर मी आई मेरे लिए काम एक पहलू नहीं है जिंदगी का. माई होल आइडेंटिटी इज माई वर्क, क्योंकि मैं 19 साल की थी जब से मैंने काम करना चालू किया. सो शाइंथनी इज नथिंग विदाउट हर लाइफ जर्नी फ्रॉम 19 टिल नाउ. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़, कि मेरी पर्सनालिटी में इस तरीके से भाग गई है. दैट्स व्हाई मे बी आई एम सो पैशनेट अबाउट माय वर्क इन समवेयर इज लाइक. आप किस तरह से मैनेज करते अपने काम को, क्योंकि 12-12 घंटा शूट और इतनी दूर आना, मतलब नायगांव, मतलब ये तो बहुत दूर है. तो ट्रैवलिंग क्या कहना, मुंबई से इतना दूर आके? आई थिंक मुंबई में तो एनीवे कभी कभी 15 मिनट का डिस्टेंस भी आपको घंटे और घंटे लग सकते हैं. बट सी अब है, अब क्या कर सकते हैं. सेट्स आर हियर, लॉट ऑफ सेट्स आर बीन इस तरफ, दूर ही शूटिंग हो रही है, पर आप एक्सेप्ट करते हो. इनफैक्ट वो टाइम जो मिलता है एक डेढ़ घंटे की ट्रैवलिंग, थोड़ा मी टाइम मिलता है, आई लिसन टू सम नाइस पॉडकास्ट या फॉलो अप विद माय फ्रेंड्स और फोन कॉल्स, वो सारे काम निपटा लेते हैं. मेल्स का जवाब देना है तो, बट काइंड ऑफ मैनेज हो जाता है. फैमिली सपोर्ट भी मैटर करती है, हाउ योर फैमिली सपोर्ट. माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव. थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट मैं भी कर लेती हूँ. मल्टीटास्किंग बैलेंसिंग एक्ट मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. सो आई थिंक सो फार सो गुड. ओके, अली बाबा को काफ़ी पसंद किया जा रहा है लेकिन शो की टाइमिंग चेंज हो चुकी है. क्या कहना चाहोगे, आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? यही बोलूँगी कि 8 बजे हमको जितना प्यार दिया है 7 बजे और ज़्यादा प्यार दीजिए. देखिए ये डिसीजंस ऑब्वियसली हमारे हाथों में नहीं होता है, द मेकर्स गो फॉर सच डिसीजंस. हमारे हाथ में एक अच्छा शो बनाना, 100% कमिटमेंट के साथ इस चीज़ को तैयार करना, वो हम पहले भी करते थे, आगे भी करते रहेंगे. आई जस्ट होप फैंस कम एंड स्टार अस टू द क्लब. थैंक यू. और प्लीज़ प्लीज़ हमारा शो अब एक स्लॉट चेंज से गुजरने वाला है. 8 बजे आता था, अब से 7 बजे आएगा 20 फरवरी से 7 बजे शाम को सोनी सब पर. तो प्लीज़ आइए, देखिए, हम खूब मेहनत करें, हमें खूब सारा प्यार दीजिए. थैंक यू.